मध्य प्रदेश के नए विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम से नए और पुराने विधायक प्रसन्न नजर आए। उनका कहना है, इस तरह के आयोजन विधायकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत प्रदेश के सभी विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर नवनिर्वाचित विधायकों ने कहा कि हम विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने दो दिवसीय प्रबोधन का कार्यक्रम रखा। विधायकों ने कहा, प्रबोधन में जो विषय चयन किए गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और आवश्यक थे। इस प्रबोधन से विधायक काफी खुश नजर आए। हमारे विधानसभा सत्र का शुरुआत में ही प्रबोधनी का कार्यक्रम हो गया, तो इससे वाकई में जो हमारे नए विधायक हैं उनको बहुत अच्छा नॉलेज भी हुआ, और जिस तरह से संविधान का बुक दिया गया है और हम लोगों को जो बताया गया, तो निश्चित ही उसे एक अच्छा सीखने का मौका मिला। पढ़ना तो है ही है, पर सीखने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है कि पूरा टाइम, दो दिन तक पूरे हमारे माननीय विधायकगण यहाँ पे उपस्थित रहे, किस तरह से उनके प्रश्न, उनकी समस्याओं को उठा सकते हैं और साथ ही सकारात्मक रूप से मध्य प्रदेश के विकास में हम अपनी कैसी भूमिका निभा सकते हैं, इन सारे विषयों को लेकर हम सब लोगों का प्रबोधन हुआ है। और मुझे लगता है कि पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए ये प्रबोधन हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक बार पुनः आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का और आयोजक मंडल का, जो भी इस प्रशिक्षण में जो लोग सहभागी रहे, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से अलग अलग विषय के वक्ता मार्गदर्शन देते हैं कि आखिर हमको इस विधानसभा की कार्यप्रणाली से, विधायक की नीति जिसको पार्लियामेंटेरियन बोलते हैं, हम कैसे सीख सकते हैं, अपने विषयों को कैसे उठा सकते हैं, कैसे हमको चर्चा करनी चाहिए और किन विषयों का महत्व होता है, इनको लेकर के हमारा प्रबोधन हुआ है। वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिला है, उसके आधार पर हम सब लोग काम करेंगे और जो नए पहली बार जीत करके सदन में आए उनके लिए वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको आगे के काम करने में उसकी सुविधा होगी और जनहित के काम ज्यादा से ज्यादा हम करवा सकें। सेवा की बात और उनकी जो जनहितकारी योजनाओं का लाभ किस तरह से दिलाएं, वो सब महत्वपूर्ण है। और ये विधानसभा एक ऐसा पटल है जहां से इन सब की पूर्ति की जा सकती है। किस तरह से आपका जनप्रतिनिधि उस बात को इस विधानसभा के सत्र में उठाता है, ये सब सीख मुझे भी मिली और मुझे विश्वास है कि जितने नए चुनकर प्रतिनिधि आए उनको भी मिली। महिलाओं का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है तो ये चिंतनीय विषय है। मेरा मानना है कि सरकार को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जितने महिलाएं, जो लाडली बहना हैं और जो कहा गया था, उन सबको पूरा करना चाहिए। मैं भी इस बात का, नेता प्रतिपक्ष की बात का समर्थन करता हूँ। सुधा पर खुशी है, प्रसन्नता है, आस्था और विश्वास के प्रतीक भगवान राम का सभी स्मरण कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व सहभागी होगा, अमेरिका के मुख्य स्थान पर भी ये हमारी प्राण प्रतिष्ठा दिखाई जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।